क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम विशाल गुप्ता है भाई। विशाल भैया, विशाल भैया क्या कहेंगे किस बारे में? अभी जैसे आज आप वोट डाले आए? बिल्कुल, मैंने वोट डाल दिया। दिखाइए दिखाइए, देख सकते हैं विशाल गुप्ता है, बात करते हैं। भैया कैसा लगा जब आप वोट डाल कर गया? बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा लगा? बिल्कुल, हमने राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए, अच्छे व्यवस्था के लिए प्रत्याशी को चुना जी, यानी भाजपा को मतदान करा। बहुत अच्छा, प्रत्याशी मतलब भाजपा से ही मतलब है, तो फिर तो राष्ट्र फिर तो नेचुरल है, भाजपा के वोट डालिए, है ना, नेचुरल है ना। हाँ। तो अभी यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है और सभी लोग अपना मतदान करने के लिए जागरूक। सन 2014 के अंदर 8500 लीटर पेट्रोल था और 2014 के अंदर मजदूरी 200 रुपये थी, आज मजदूरी 500 रुपये है और पेट्रोल 90 रुपये मिल रहा है, तो बताओ महंगाई क्या बढ़ गई फिर, किस चीज़ की महंगाई? पहले रोजगार भी खत्म हुए, युवाओं को जो है भर्ती नहीं निकल रही है, काम करने वाले कौन सा, कोई एसडीएम डीएम था, सब भी पहले भी बेरोजगारी थी, अब भी बेरोजगारी है। पढ़े लिखे आज भी नौकरी कर रहे हैं भाई? कर रहे हैं पढ़े लिखे नौकरी पा रहे हैं, किसी पर काम की कमी नहीं है कोई भी, काम करने वाले व्यक्ति काम कर रहे हैं। मैं तो खुद नौकरी करता था 2018 तक, मैंने छोड़ के अपना व्यवसाय स्टार्ट किया, तो जिसके पास अगर कोई कह रहा नौकरी नहीं, तो व्यवसाय बहुत है, बहुत अवसर है काम करने के लिए, मेहनत करने वाले के लिए पैसे की कमी नहीं है। फिर बैठे रहो, निशांत शर्मा। कुछ युवा बोल रहे हैं, युवा ही बोल रहे हैं इस चीज को कि हमें जो है रोजगार नहीं दिया सरकार ने, हमें भर्ती नहीं दी, ये नहीं करा, वो नहीं तो देंगे, तो जब जब काम करोगे उसके लिए। अब ये बताओ कोई घर पे बैठ के थोड़ी ना दे देगा आपको, मेहनत करो पहले जब मिलेगी। अब पढ़ो ना, पेपर दो ना, घर बैठे हैं ना, अप्लाई करेंगे, नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ से मिल जाएगी नौकरी आप बताओ? वोट करने आए हो? हाँ जी अभी करेंगे वोट। हाँ जी अब करूँगा। पहली बार डाल रहे हो कि? हाँ जी पहली बार डाल रहा हूँ। पहली बार डाल रहे हो, तो क्या मुद्दे, क्या सोच कर डाल रहे हो? बस सोच के ये डालने हैं कि जैसे आगे, अब तक विकास हुआ आगे भी होगा। कौन से विकास से प्रभावित हुए जो आप वोट डाल? जिस तरह से देख रहे हैं कि ये है, वैकेंसी भी निकाल ही रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, देख लो या कैसी देख लो। रही बात पेट्रोल वगैरह की, हाँ बीच में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल भी बढ़े रेट पर, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत करके वही आगे 90-95 और जगह देखी जाए तो और ज्यादा। सरकार में मजा आ रहा जी, अच्छा लग रहा। बिल्कुल, जो विकास इस सरकार में हुआ है ना, वो और किसी सरकार में नहीं हुआ है। रोड देख लीजिए आप कितने अच्छे बने हैं, लाइट देख लीजिए कितनी अच्छी आ रही है। लेकिन कह रहे हैं उधर ही बिल भी बहुत महंगे आ रहे हैं। तो जब बिल तो आएंगे, जब लाइट आएगी तो बिल तो आएंगे ना, जब लाइट आ रही है, पहले लाइट ही नहीं आती थी तो बिल कहां से आएंगे फिर? अगर हम 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रही है सर, हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री जाके क्या, फ्री क्या होता है? फ्री तो वो होता है जिसे बंदे को कुछ करना नहीं होता, उसे फ्री की आदत है। मेहनती बंदे के लिए नहीं, बिल्कुल करके खाना। और गर्मी वाली बात हो रही है, क्या है वो गर्मी? गर्मी का कुछ नहीं है, नहीं है कुछ भी, कोई गर्मी का, गर्मी का क्या मैटर है आप बताइए हमें कि कैसी गर्मी की बात हो रही है। कह रहे हैं ना योगी जी की, क्या नाम है, हम जो है गर्मी में, हाँ जो गुंडागर्दी करेगा उसकी तो गर्मी उतार दी जाएगी ना, उसे तो ठंडा कर दिया जाएगा। पहले यूपी में कितने दंगे होते थे, अब बताइए कहाँ पे दंगे हो रहे हैं यूपी में? आप एक जगह का नाम बताइए मुझे कहाँ पे दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? अखिलेश की सरकार थी वो, योगी जी के राज में। बताइए कहाँ पे दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम हुए कहीं पे? नहीं ऐसा, बताइए फिर। वो तो गर्मी शांत करने की बात करे, वो क्या है मामला? गर्मी तो ये शांत करने की बात है ना, जो गुंडागर्दी करेगा उसकी तो गर्मी शांत की जाएगी। तो ना तो एक तरीके से होगी, आपके पहाड़ों पे बिठाया जाएगा योगी जी को, उन्होंने करे क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं करा, बेरोजगारी है, खाली राशन देने से थोड़ी ना। अखिलेश ने क्या कर दिया, अखिलेश से पहले यहाँ पे क्या, हम सब उसमें क्या दे दिया अखिलेश ने? सरकार की थी, जो सब कुछ रखा था उनका फीता काट काट का जा, बाकी उसमें कुछ होता ही नहीं है। क्या जयंती है अखिलेश की बताइए आप? तुम मुजफ्फरनगर का दंग उठा रहे हो, तुम हाथरस वाली घटना नहीं देखे तुमने, उसमें क्या हुआ है उसका नहीं पता तुम्हें? कुछ बताइए, तुम बता दीजिए। हाथरस वाली घटना में जो अपराधी थे उनको जेल हो चुकी, वो कहाँ, वो तो इतना अगर उसमें मीडिया वाले का, हाँ मीडिया वाले अगर इसमें इतना वो इन्वॉल्व ना हो तो इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं भैया, ऐसा है देखो, जो इस सरकार में विकास हुआ है ना, मैं तो मानता नहीं अखिलेश के राज में, कहीं आप दिल्ली एक्सप्रेसवे देख लीजिए, अखिलेश के राज में बनाया अच्छा रोड बना, मैं एडवोकेट योगी सरकार ने, एक भी दंगा हुआ इस सरकार में? पहले ये इस सरकार में क्या एक भी दंगा हुआ? अखिलेश के राज में एक भी गड्ढा नहीं, दोनों समुदाय सेफ है, 5 साल पे लेकिन गरीबों को फ्री में बटा, हर चीज फ्री में मिली, बताओ क्या नहीं मिला? पहले नहीं बटा था, कुछ भी नहीं बटा, फ्री में कुछ नहीं बटा भाई, दो